हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग बात करेंगे आज डेब्ट फ्री स्टॉक के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए कोई स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो आप उसमें तीन चार चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। पहला, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंपनी प्रॉफिट बनाने वाली होनी चाहिए, तब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी नहीं होगी, लॉस मेकिंग कंपनी होगी, तो आप उसका तीन चार क्वार्टर के बाद उसमें अच्छा खासा गिरावट आता है स्टॉक में, और काफ़ी अच्छा तेज़ी से गिरावट आती है। दूसरा है बिजनेस ग्रोथ, यानी जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसका आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसा रह सकता है, उसका प्रोस्पेक्ट कैसा रह सकता है, ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखना है। तीसरी बात है डेब्ट फ्री, कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। चौथा चीज़ जो ध्यान में रखना है वो है होल्डिंग, उसका होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर के पास क्या होल्डिंग है, FIs क्या होल्ड कर रही है, DIs क्या होल्डिंग कर रही है, इससे पता चलता है कि वो स्टॉक वह कंपनी आने वाले समय में कितना अच्छा कर सकती है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है स्टॉक का। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला स्टॉक है इन्फीबियम एवेन्यू लिमिटेड। यह ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है मर्चेंट इंस्टीट्यूशन को, एंटरप्राइजेज को, कॉरपोरेशन को, और इसका जो हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गुजरात में है। पेटीएम का जैसे हाल फिलहाल में जो उनका बैंकिंग सर्विसेज है वो RBI ने बंद कर दी, उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है। अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 31% प्रमोटर के पास है और FIs के पास 6.46% है। दूसरा है एग्जिटा कॉटन, जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है कॉटन के सेगमेंट में, और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के कॉटन बेल्ट्स और कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, और इसका जो एक्सपोर्ट है लगभग 12 से 13 कंट्री में होता है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और FIs के पास 12.47% है। इसके बाद अगर स्टॉक की बात करें तो वह है ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड। यह रियल इस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज़ में एंगेज है, और इसके अलावा ये अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट भी करती है कॉरपोरेट डिपॉजिट के रूप में। अगर हम इसके रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है 76% इन्वेस्टमेंट से आता है और 3.5% रियल इस्टेट से आता है, और हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ही इनका मेन बिजनेस है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 64% प्रमोटर के पास है और FIs के पास 1.58% है। फोर्थ स्टॉक है ओसवाल एग्रो मिल्स। यह भी रियल इस्टेट कमोडिटीज में ट्रेडिंग करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है कॉरपोरेट डेब्ट में। इसके अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 41.91% प्रमोटर के पास है और FIs होल्डिंग इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं JMD वेंचर्स का। ये इंटरटेनमेंट सेगमेंट में काम करती है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी करती है। प्रमोटर के पास होल्डिंग 21.21% है और FIs को होल्डिंग नहीं है इसमें। अगर हम पांचों स्टॉक को एनालाइज करें तो इसमें तीन चार स्टॉक ऐसे हैं जिसके नंबर पिछले तीन चार क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हमें एक स्टॉक इसमें चुनना हो जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इन्फीबियम एवेन्यू लिमिटेड। ये काफ़ी अच्छा कंपनी है और डिजिटल, जैसा कि आने वाले टाइम में फिनटेक का एक समय आने वाला है, और इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। दूसरा, अगर ये तीन चार स्टॉक में देखें तो कॉटन इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी फोकस में रहने वाली है। डिजिटल पेमेंट को लेके जो सरकार बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ला रही है, उस वजह से ये दो स्टॉक जो इसमें कॉटन इंडस्ट्री के स्टॉक है और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक है वो अच्छा कर सकती है। तो आप ये दो स्टॉक को इसमें चूज करके उसका एनालाइज करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।